हेलो भाई, कैसे हो आप सब? होपफुली बहुत बढ़िया हो गए। और आज की वीडियो में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका इंट्रोडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन होता है, जाते इससे अलग कोई शुरुआत ही नहीं होती उनके पास। तो सबके पास ये क्वेश्चन आता है, ओके अश्विनी, ओके वट एवर योर नेम इज़, जो भी आपका नाम है, ठीक है, चलो हम मेरा ही नाम मान के चलते हैं। ओके अश्विनी, स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर वो कह देंगे ओके जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोडक्शन के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता है क्या, या कोई ऐसी एक चीज़ जिसे बोल के हम बढ़िया एकदम शुरुआत भली दो सब कुछ बहुत बढ़िया और फिर अंत भला दो सब भला? तो हमने अंत भले वाली चीज़ पे थोड़ी जाना, हमने तो शुरुआत ही एकदम भोकाल करनी है। तो शुरुआत कई बार ना बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं बोलनी होती, जस्ट बी एज सिंपल एज स्पेसिफिक एज यू कैन। जितना सिंपल और स्पेसिफिक क्रिस्प रहोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। क्वेश्चन उनको ढूंढने दो, आप अपनी तरफ से इतना ओपन एरिया मत दे दो उनको कि वो प्रॉब्लमेटिक हो जाए आपके लिए, पहली चीज़। दूसरा, इंट्रोडक्शन क्या हिंदी में भी दे सकते हैं, कोशिश करो। देखो एक चीज़ होती है भाई, अगर आप अपने आप को एक लैंग्वेज में, ऐसी लैंग्वेज जो आज के टाइम पे आपको पता है कि प्रेफर करी जा रही है, अपने आप को इंग्लिश में एक्सप्लेन डिफाइन नहीं कर पा रहे हो तो फिर एक बार दोबारा सोचने की बात है। तो सो प्लीज़ गो विद इंग्लिश, इंग्लिश में बात करना, बाद की देखी जाएगी, आप मेरी तरह हिंदी में बोल सकते हो, लेकिन पहला इंट्रोडक्शन प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। मैं जानता हूँ मुझे भी आप लोगों ने कभी इंग्लिश में बात करते हुए नहीं देखा होगा, मेरे लिए भी थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, बट आई एम नॉट दैट अनकम्फर्टेबल विद इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन कम्युनिकेट, लेकिन बेसिक्स तो मैं कर ही सकता हूँ ना, उतना आप लोगों ने करना है बस। तो मेरे साथ जो हुआ था वो बता रहा हूँ, फिर आप लोग क्या कर सकते हो वो बताता हूँ। इंट्रोडक्शन कितनी देर का होना चाहिए? मैक्सिमम 40-50 सेकेंड्स, बस इससे ऊपर आपका इंट्रोडक्शन जाना ही नहीं चाहिए। जैसे मेरे साथ जब हुआ था, जब मैं जैसे ही एंटर हुआ, तो अब 12th क्लास हुई थी मेरी, 12th के जस्ट बाद मैंने JBT की, JBT के जस्ट बाद मेरी एग्ज़ाम क्लियर हो, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि मेरे पास इंट्रोडक्शन में क्या ही अचीवमेंट होगी, क्या ही चीज़ें होंगी। तो मैंने, मेरा स्टार्ट ही ये था, गुड मॉर्निंग मैंने पहले विश कर दिया, दोबारा विश मैंने नहीं किया। तो जिस सर ने पूछा तो सर के लिए, मैम ने पूछा तो मैम। तो सर माय नेम इज अश्विनी, आई एम फ्रॉम द एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा, दैट इज सोनीपत, एंड आई कंप्लीटेड माय हायर सेकेंडरी फ्रॉम सैनिक स्कूल कुंजपुरा विद साइंस बैकग्राउंड, देन आफ्टर आई अपीयर्ड फॉर JBT, जो आपके वहाँ BTC वगैरह जो भी कुछ बोली जाती है, JBT फ्रॉम सोनीपत इट्सेल्फ, एंड देन आई प्रिपेयर फॉर टीचिंग एग्जाम्स लाइक DSSB एंड KVS, आई क्लियर माई KV एग्जाम विद 108 मार्क्स, एंड आई एम सर हेयर फॉर इंटरव्यू। और बस इतना ही कहा था, इतना कहते ही उन्होंने बीच में रोक दिया था मुझे, और वो होता ना कि एक फ्लो के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और इतना कहते ही आगे मैं बताने की सोच रहा था कि सर माई, फिर थोड़ा सा फ्रॉम फैमिली पर्सपेक्टिव, पेरेंट्स के बारे में बता सकते हो आप इसके बारे, पेरेंट्स के बारे में, ऐसे नहीं कि मेरे पापा का लकड़ी का बिजनेस है, मम्मी हाउसवाइफ है, और फिर वो डिटेल है, नहीं, बस फैमिली को एक बार में, एक वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। जैसे मैंने कहा था माय पेरेंट्स आर टीचर्स, अब गवर्नमेंट टीचर है, प्राइवेट टीचर है, ये नहीं बताया मैंने। तो उसके बाद उनका क्वेश्चन डायरेक्ट, जब मैंने कहा ना सर आई एम, क्या बताया था मैंने, JBT इटसेल्फ और फिर हेयर फॉर KV इंटरव्यू, इतना कहते हैं उन्होंने कहा अच्छा आप सैनिक स्कूल से पढ़े हो, तो सैनिक स्कूल उनके लिए एकदम सरप्राइज वाला सीन हो गया था। तो ऐसा ही आपके लिए होगा, वो कोई एक वर्ड उठाएंगे एकदम बीच में से, और आपको या मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन एकदम, ये तो इन्होंने पकड़ लिए बात। नहीं भाई, वो इसलिए बैठे हैं आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए, इन द सेंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए, और उनको मौका दो जानने का, इन द सेंस पॉजिटिव वे में। कोई भी गलत चीज़ अपनी तरफ से मत बताओ, वो पकड़ लें, या कुछ भी ऐसी चीज़, तो वहाँ पे ऐसा रास्ता अपना लो कि हम्बली सॉरी कह के या कुछ भी कह के उससे आगे हट जाओ, आर्ग्यूमेंट मत करो, बीच में बातें मत काटो। दो चीज़ें, तीसरी, इंट्रोडक्शन को स्पेसिफिक, बिल्कुल क्रिस्प रखना, डेफ, बिल्कुल टू द पॉइंट, दैट्स इट, इतने में आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपके आते बॉडी लैंग्वेज क्या हो, आपकी ड्रेस क्या हो, आपकी ओरल कम्युनिकेशन किस उसमें हो, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल क्या होता है, आपका आई कॉन्टैक्ट कितना होना चाहिए, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे हम कब, नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो में अगर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए टिप्स चाहिए तो आप
कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अब आता है क्वेश्चन, आपका इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हर एक बच्चे का रिप्लाई करके उसको थोड़ा सा, अगर मेरी तरफ से कोई सुझाव होगा तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव। ओके, ऑल द बेस्ट। और अपनी पॉजिटिव चीज़ें बता सकते हो आप अपने इंट्रोडक्शन में, लाइक अचीवमेंट, एक अचीवमेंट आप ज़रूर बताना ताकि उनके लिए क्वेश्चन आ जाए फिर वहाँ से, और आप रेडी रहना अपनी अचीवमेंट से क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। बिकॉज जैसा मैं तैयार करके गया था, सर आई वाज द हाउस कैप्टन ऑफ व्हेन आई वाज इन सैनिक स्कूल कुंजपुरा, तो मैं क्योंकि रेडी था इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए, लेकिन वहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पाया, लेकिन वही चीज़ मेरे बायोडाटा फॉर्म में लिखी हुई थी, तो उन्होंने बाद में मेरे से चीज़ें पूछ ली थी। तो आप लोग भी अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करना और कमेंट सेक्शन में अपना इंट्रोडक्शन बताना। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, भारत माता की जय, जय श्री राम। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे मेल करके अपनी बातें शेयर कर सकते हो। अगर आपने कोई एग्जाम क्लियर किया है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, तो स्वागत है भाई हमारे चैनल पे। हम एक छोटी सी वीडियो पॉडकास्ट शूट कर सकते हैं, आप हमें मेल कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय, जय श्री राम।